लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड के बारे में बात करते हैं वेक्टर्स में, और वेक्टर्स में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन कर रखे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो उस केस में हम लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड के बारे में बात करेंगे। तो जो लोअर बाउंड है वो देगा रिटर्न्स इटरेटेड टू द फर्स्ट पोजिशन फॉर इंसर्शन ऑफ वैल सच दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज मेंटेन। ऐसी अपर बाउंड भी सेम चीज़ है, बस वो लास्ट पोजिशन के लिए होता है। फिर पढ़ के देख लेते हैं, रिटर्न्स इटरेटर टू द लास्ट पोजिशन फॉर इंसर्शन ऑफ वैल सच दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ये देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं एल वी और यू वी की, वो यही होती है। अगर मान लो कि मेरे को लोअर बाउंड या अपर बाउंड किसी वैल्यू वैल का किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकलता है हमेशा, और एक वेक्टर स्पेस के उसमें, तो वेक्टर स्पेस मान लो हमारा आई टी मतलब ये है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये और एक ये, तो जो आई टी वन होगा ना इस आर्ग्यूमेंट में वो होगा ये वाली चीज़, जो पहले एलिमेंट वेक्टर स्पेस में जो पहला एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइटरेटर है, और जो आई टी टू होगा वो इस वेक्टर स्पेस के जस्ट अगला वाला इंडेक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आर्ग्यूमेंट्स, और वैल हमारी कोई वैल्यू जिसके लिए निकालना है। तो एग्जांपल लेके देखेंगे, बढ़िया सा एक 1 2 2, ठीक है, जीरो बेस इंडेक्सिंग है। अब जो अगर मैं एल वी ऑफ 2 देखूं इस पूरे वेक्टर में, तो मैं आर्ग्यूमेंट्स भेजूंगा, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी वो उसके जो जो आइटरेटर होगा आई टी वन वो होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमें पूरे वेक्टर भेजना है, और आई टी टू एक अगले वाला मतलब पूरे वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग भेजना है ना, तो इसके अगले वाला इंडेक्स क्या होगा, 6। तो आई टी टू इस इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 6 होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, मतलब वेक्ट डॉट एंड, ठीक है। तो वेल वी ऑफ 2 जो है वो कौन सा इटरेटर कौन सी पोजीशन रिटर्न करेगा आपके अकॉर्डिंग, 2 को हम कहाँ पे पहली कौन सी पोजीशन है जहाँ पे 2 इंसर्ट हो जाए और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी मेंटेन हो पाए, वो ऑब्वियसली 1 है। 1 इंडेक्स पे अगर 2 कर दो और बाकी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो 1 से, तो बढ़िया है, मतलब तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ऐसी यू वी ऑफ 2 क्या होगा, ऐसी कौन सी लास्ट पोजीशन है जहाँ पे आप 2 इंसर्ट करो और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी मेंटेन हो जाए, तो उसका जो इटरेटर आएगा वो कौन से इंडेक्स को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वो करेगा 4th इंडेक्स, ठीक है। 4th इंडेक्स पर 2 इंसर्ट कर दो, जो लास्ट के दोनों 3 है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो चलिए अब इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वही हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्यों, वेक्टर जो लोअर बाउंड एल वी और एंड यू बी के लिए हमें हैश इंक्लूड एल्गोरिथम करना पड़ेगा, और ये वेक्टर वेक्टर एस टी एल यूज करने के लिए ऑब्वियसली यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ठीक है। इंट मेन वेक्टर बना लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वन टू 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 थ्री फोर फाइव, जीरो बेस इंडेक्सिंग है, दिख ही रहा है, ऑटो 81। लोअर बाउंड की बात कर लेते हैं, वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड, यहाँ पे 2 भेजते हैं, ठीक है, वेल 2 है यहाँ पे, ठीक है। सी आउट लोअर बाउंड ऑफ 2 इज, अब हम यहाँ पे इटरेटर तो एक पॉइंटर होता, तो हम यहाँ पे पॉइंटर तो प्रिंट नहीं करा सकते, तो हम आई टी वन माइनस हम इंडेक्स प्रिंट करा देंगे कि किस आइटरेटर कौन से इंडेक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। वेक डॉट बिगिन ऐसी ऑटो 82 लोअर, अब हम ये अपर बाउंड के लिए भी यही चीज कर लेते हैं सेम,
यहाँ पर आ जाएगा नाम सेम, मतलब बस लोअर अपर का ही फर्क है। याद रखो लोअर बाउंड हमेशा फर्स्ट पोजीशन लाके देगा सेफ इंसर्शन की, और अपर बाउंड लास्ट पोजीशन सेफ इंसर्शन की। यहाँ पे आई डिड टू, और अब देख लेते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए। देखो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट देखो क्या आना चाहिए, 0 1 1 है तो आना चाहिए। अगर फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे टू इंसर्ट हो पाए सेफली वो 1 है, 0 नहीं है। अगर 0 पे वो करके देखोगे तो आपको बताइए पहले एग्जांपल कंसीडर किया है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ गया था। और जो अपर बाउंड की लोकेशन आनी चाहिए वो देख लो, 0 है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स। अगर यहाँ पे हम सेफली इंसर्ट करें 2, तो लास्ट पोजीशन के लिए, मतलब ये लास्ट पोजीशन है तो अपर बाउंड की वैल्यू ये आनी चाहिए 6। तो देखते हैं अब क्या आएगी, कोड रन करके देखते हैं। देख लिया एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है, लोअर बाउंड ऑफ 2 इज 1 और अपर बाउंड ऑफ 2 इज 6। तो बढ़िया, ये काम अच्छा हो गया। तो सबसे खास बात जो है स्पेशलिटी इसकी वो ये है कि ओ लॉग एन में काम करता है, ठीक है। ओ लॉग एन सबसे बढ़िया जो चीज है वो ओ लॉग एन में काम करता है। और एन क्या पे है, एन एलिमेंट्स बिटवीन IT1 एंड IT2 इन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट में मैंने बताया था पिछले, उसमें IT1 और IT2 फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बहुत जल्दी फास्ट एफिशिएंट है और फास्ट है, तो बढ़िया है, यूज़ कर सकते हो इसे। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड यूज़ हो जाता है ऐसे SQL की मदद से।